सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं सदन में खड़ा होकर के बोलने की हैसियत रखूंगा। मैं एक किसान के परिवार का एक बच्चा हूं जो 28 साल की उम्र तक साइकिल के लिए तरसा है। हालांकि जीवन में उसके बाद अपने लोक संगीत से हमने अच्छा जीवन भी देखा, और हम आर्टिस्ट, हम कलाकार स्वतः से अपने घर से निकले हैं उस समय जब इस देश को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी। मैं इस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद हूं। सभापति महोदय जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय अरुण जेटली जी का, जिन्होंने एक ऐसा बजट दिया जिस बजट से हमारे विपक्ष के लोग इतने परेशान हैं कि उसको चुनावी बजट कहना शुरू कर दिया। मेरा यह मानना है कि इस विरोध के पीछे उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो जिस पे बीजेपी अब कब्जा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के एक गांव का रहने वाला हूं मैं, सभापति महोदय जी, और इसी यूपीए के कारण हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। और अब जब दिल्ली में एक ऐसा बजट आया जो बाहर से आके भी लोगों के रहने वाले लोगों के लिए बहुत जवाबदेह और सुंदर बजट है, तब इसका विरोध, ये मेरी समझ के बाहर है। एक तो मेरी और भी समझ के बाहर होता है कि जब 15 साल 10 साल की सरकार अचानक जाती है और एक नई सरकार आती है एक अच्छे सोच के साथ, तो कैसे विरोध होने लगता है। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए जो दूर से देखते रहे हैं, ये थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कभी कभी उनमें सोचता हूं कि इन घुमावदार भाषणों का अवसान होना चाहिए, इन घुमावदार भाषणों का अवसान होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब भगोड़ों के बोलने से नहीं भरमेगी ये जनता। बीजेपी की कोशिश है कि अब काम होना चाहिए, अब भगोड़े लोगों की साजिशों से नहीं भरमेगी ये जनता। अभी तो पहला बजट है सभापति महोदय जी, अभी तो पहला बजट है, ये सांसें क्यों फूल रही हैं। जेटली जी के बजट का सम्मान होना चाहिए। मेरे दो तीन ऐसे बातें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे आज के दिन बोल देना चाहिए, क्योंकि हमारे भाइयों ने, जो हमारे साथी एमपी हैं दिल्ली के, उदित राज जी, प्रवेश जी, महेश जी, मीनाक्षी जी, सबने सारी बातें कह दी सभापति महोदय। मेरी एक दो नई बातें हैं जो मैं समझता हूं कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी के बीच शौचालय की व्यवस्था करके पीछे जहां 2013-14 में मात्र 17 करोड़ की व्यवस्था थी, उसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने 35 करोड़ का बजट दिया है। यह सिर्फ इतना बताता है कि उनकी सोच क्या है और किस तरह से नए ढंग से चलने को हम तैयार हैं। कुछ में बहुत ही आग्रह पूर्वक जो हम चुनाव लड़ रहे थे, जब लोगों के साथ गलियों में जाते थे तो लोग जो बोलते थे उसको मैं जरूर अपने वित्त मंत्री जी तक रखना चाहूंगा, क्योंकि जहां का मैं सांसद हूं सभापति महोदय जी, वहां पे खेल का मैदान नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। और अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान जाएगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों को बहुत ही फायदा हो जाएगा। ये मैं आज इस पहली बार बोलने के बहाने रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल भी नहीं है, जिसके लिए मैं आज यहां से आदरणीय वित्त मंत्री जी को प्रार्थना कर लूंगा, क्योंकि लोग इसका लगातार हमसे मांग करते रहे हैं। और चूंकि मैं कलाकार हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं हिंदुस्तान के भोजपुरी लोक संगीत का लोक गायक के रूप में शुरुआत किया, मैंने सिनेमा भी किया है, आज मुझे एक बात को सुनकर के ये सुझाव देते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं समझ में आता था कि यहां बैठा हुआ कोई सदस्य असत्य जानकारी देगा इस सदन को। अभी हमारे एक सदस्य जी ने, उनका नाम सौगात राय जी है, उन्होंने हमारे लिए कहा कि
कि हम अपने क्षेत्र में नहीं दिखते। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज 75 दिन हो गया हमें सांसद बने सबको 16वीं लोकसभा में, मैं 58 दिन अपने क्षेत्र में रहा हूं। अगर ये कम होता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और संसद में भी जितना दिन रहे हैं लोग, मैं मात्र 3 दिन यहां नहीं रहा हूं, तो मैं सौगत राय जी को जरूर चाहूंगा कि वो आपको जवाब दे किस तरह की जानकारी उन्होंने कैसे कही, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक है। अगर मैं चुनौती देता हूं इस पे कि अगर मुझे इस 58 दिन की उपस्थिति में गलत सिद्ध कर दिया गया तो मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं। मुझे पता है कि यहां पे आके बहुत लोग अपने आप को बहुत भाग्यवान भी समझते हैं, क्योंकि देश की बहुत सारी समस्याएं सभापति महोदय, सांसद कोई कहीं का भी हो, लेकिन जब हम रास्ते में आए दिन लोगों से संपर्क में रहते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो हम यहां पे चर्चा करके उस पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं सदन का, उस पर एक नया रास्ता, अच्छा रास्ता दिख सकता है। तो मैं इस आशा के साथ जी, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी मात्र 30 सेकंड का बचा हुआ है, इससे ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलने में वैसे भी विश्वास नहीं करूंगा सभापति महोदय जी, मेरी अगर बात किसी और सदस्य के मार्फत निकल जाए तो मैं उसको अपनी बात समझूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि रोजी रोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, पानी बिना होठ सूखे नल चलवा दो, और जेटली जी के इस बजट को समझो, इसको समझ के आगे की प्रेम की गंगा बहा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। धन्यवाद।